दोस्तों नमस्कार। हर कोई हमें पूछे थे कि हम ग्रेनाइट के ऊपर फर्नीचर वर्क कर सकते हैं या नहीं बोल के। तो व्यूवर्स, हमें कई लोग हमें कमेंट करके बताया था कि आप लोग ग्रेनाइट के ऊपर फर्नीचर वर्क कर सकते हैं ना। हाँ जी, जरूर कर सकते हैं, बट डिपेंड रहता है उसके लिए ना। फिर आपको एक्स्ट्रा अलग से 4 इंच जगह लेना पड़ता है एक्स्ट्रा। किस तरह से बोल रहा हूँ बोलो। अब ये आप बनाए, आप पूरा ग्रेनाइट वर्क में बनाए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग करते देखिए। सो स्लाइडिंग करते समय क्या होता है, ये वुड वर्क हो गया, वो होता है आपका ग्रेनाइट वर्क, ठीक है। तो एक को एक कॉम्बिनेट नहीं होता, तो उधर तो आप ड्रिल नहीं मार सकते। तो ड्रिल नहीं मार सकते ना, उसके बदले में आप क्या करना, वो जो लगाए देखिए उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करके उसके ऊपर ना स्लाइडिंग बनाते। ये बिफोर वीडियो है, आफ्टर वीडियो भी मैं एक बार ज़रूर बताऊँगा, तब आपको भी एक आइडिया मिल जाता कैसा आप लोग फर्नीचर वर्क कर सकते हैं, ग्रेनाइट के ऊपर वुड वर्क किस तरह से करना चाहिए, और साथ ही जो है इस तरह से। बट एक चीज़ मैं आप अवॉइड कर लीजिएगा, जब भी आप घर करते समय कौन सा तो एक यूज़ कर ले, फिक्स्ड रहना माइंड। घर बांधते समय क्या होता, थोड़ा बजट का दिक्कत होता, फिर हम सोचते हैं करना नहीं करना, वो एक डाउट रहता हर कोई, इवन हमारा ही मैं बोलता हूँ। बट कभी कभी फिर बाद में कहीं ना कहीं से एक तरह से आप लोग अरेंज करते पैसे, तब फिर आप सोचते हैं कि चलो यार हम फर्नीचर कर ही ले देंगे बोल के। तो ये कुछ चीज़ है, तो आप उसे थोड़ा देख लीजिएगा। और ये पूरे डोर्स भी बनाया जा रहा है, उसी में ये डोर्स बनाया जा रहा है। ये अभी मैं आपको उधर एक्सप्लेन करूँगा अच्छा सा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इधर जो है फर्नीचर वर्क किया गया, ये शीट यहाँ पर लगाया है, ऑलमोस्ट घर में ग्रे कलर का यूज़ किया जा रहा है, ओके। और इधर देखो ये शेल्फ है, शेल्फ जैसा आप देख रहे हैं नॉर्मल वाला शेल्फ है, सेम कबर्ड की तरह ही बनाया गया। जैसा आप कपाट रहता देखो घर के अंदर, सेम उसी पैटर्न यूज़ किया गया है, ओके। यहाँ पे भी सेम, ये भी स्लाइडिंग ही आ जाता है, ये स्लाइडिंग ओपनेबल, या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, डिपेंड रहता आपको जैसा चाहिए उसके हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसको क्या करें, ये पूरा फुल ये नीचे से यहाँ से देखो, इधर तो ये आ जाता स्लाइडिंग मेकअप, एक मिरर आता, फिर उसके नीचे खोलने के बाद फिर स्टोरेज के लिए जगह मिल जाता, वो वाला आता। एंड ये भी फुल कवरअप किया हुआ है, इधर ये हो गया, ये वाला चीज़ तो ग्रेनाइट वर्क है, ये पट्टी जो है ग्रेनाइट का पट्टी है। उसके बाजू में क्या करें, ये चीज़ है देखो, ये वाला चीज़ इसके बाजू में लगाया गया, ओके। इधर से ना वैसे इसके बाजू में लगा के पूरा ये 12 mm का प्लाई यूज़ किया गया यहाँ पे, 12 mm या 18 mm कुछ लग रहा है, दोनों में से कुछ से डबल लिया गया। डबल लेके उसके ऊपर एक शीट लगाया गया, ये लैमिनेट शीट लगा के। अब नेक्स्ट देखो, इधर इधर पूरा वो व्हील आता, ट्रैक आता, रेलवे पटरी का जैसा ट्रैक रहता देखो, सेम उसी तरह से एक ट्रैक आता है, वो ट्रैक से इधर स्लाइडिंग बनाते हैं, इधर तक बीच में लेते हैं बाई टू पार्टीशन, मतलब एक आप दोनों एक साथ नहीं खोल सकते, कौन सा एक एक खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेनाइट के ऊपर ना वुडवर्क इस तरह से किया जाता है, आप अब की इस वीडियो में आप भी समझ गए होंगे मेरा एक बोलने का एक इरादा। तो दैट्स इट, सेम सभी जगह उसी तरह से किया गया। इधर भी सेम एक ट्रैक बना था नीचे की तरफ, तो ये पूरा ग्रेनाइट है। फिर इसके बाद इधर भी ग्रेनाइट लगाया, सो दैट पानी अगर लग भी गए समझो, तो ये वुडवर्क ख़राब नहीं होना। अब हम पोछा मारते हर रोज़ पोछा मारते, तो उस समय ये पानी नहीं लगता। इधर से थोड़ा सा डिस्टेंस है, कई लोग क्या करते हैं नीचे वो होल्डर्स लगाते हैं, लेग्स लगाते हैं, वो भी आता, वो पूरा फर्नीचर वर्क है, तो आप कर सकते हो उसको लेग्स को। एंड अब इसका कॉस्ट अब देखिएगा, अब कई लोग हमें पूछते हैं कि कितना खर्चा आ सकता है। सो लगभग दोस्तों 30,000 तक खर्चा आ सकता है, डिपेंड करता है। बट इसमें क्या सेविंग है, ये बीच में जो लिए देखो, ये पार्टीशन का सेविंग रहता, इतना पैसा बच जाता है। बट ये भी सस्ता नहीं है, ग्रेनाइट, फिर ग्रेनाइट करने का कारीगर का चार्ज वो अलग से, ग्रेनाइट लगभग 135-130 रुपये पर स्क्वायर फीट है। फिर उसको लगाने के लिए फेविक वो एरल्डाइट वो सब गम चाहिए, वो भी काफ़ी महंगा रहता है। तो इसके बदले में आप पूरा फुली फर्नीचर कर सकते हैं। बट इसमें और एक एडवांटेज मैं बोलता हूँ, वो परमानेंट रहता, अगर कुछ कीड़े वगैरह कुछ भी लग गए समझो, वो ख़राब नहीं होता, एक थोड़ा ख़राब होने का चांसेस रहता है। दैट्स इट।